ये देखो भाई, चटकेश्वर मंदिर के बाहर है हम और काफी भीड़ है यार यहाँ पे। चलो अंदर चलते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज 30 तारीख है और आज के दिन को ग्लोबली इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे के नाम से भी मनाया जाता है। तो मेरी तरफ से मेरे सारे दोस्तों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। भाई इंडिया का हो या इंटरनेशनल हो, फ्रेंडशिप डे तो फ्रेंडशिप डे ही होता है, इसलिए आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो यार आज बाहर बारिश हो रही है, वैसे तो बाहर ही होती है बारिश, मतलब अभी अभी बारिश शुरू हो रखी है। अभी तक सब सही था, मतलब ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी, मगर अभी ये देखो उतनी तेज़ नहीं हो रही है, मगर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी तो हो ही रही है। तो कहीं बाहर तो हम जा नहीं सकते अभी, खैर बारिश जो हो रही है क्योंकि। तो देखते हैं, हम वेट करते हैं, अगर बारिश रुकती है तो बाहर को जाते हैं, नहीं तो यहीं अंदर ही बैठ के कुछ टाइम पास अपना निकालना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा जिससे कि अपना टाइम पास हो जाए। तो आज काफ़ी दिनों बाद हम जा रहे हैं बाहर को ग्राउंड की तरफ, और मैंने बिल्कुल अच्छे से कपड़े वपड़े पहन लिए हैं ताकि मेरे को ठंडा ना लगे। तो चलो चलते हैं, बारिश आने जैसा भी हो रहा है। सरकार ने तो इस रास्ते में कुछ काम नहीं किया, मगर यहीं पर चलो, यहीं पर अगल बगल सोनू दाने पक्का यहाँ पे टाइल वाइल सब लगा दिए हैं, क्या कर सकते हैं यार, अब खुद ही करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो यार ग्राउंड की तरफ को ना जाके आज रोहित के घर की तरफ को चलते हैं, क्योंकि ग्राउंड में कोई होगा नहीं मेरी पहचान का। देखो आज के है ना, आज नहीं मतलब अभी एक हफ्ते में, इस हफ्ते मतलब लगभग मेरे जितने भी साथ वाले हैं सब पेपर देने गए हैं लगभग, तो इसलिए ग्राउंड की तरफ को भी नहीं जा रहा मैं। एक रोहित है और एक दो और हैं, उनमें से एक तो रोहित ही है, ठीक है। तो इसे घर के बाहर को जाके उसको फ़ोन करते हैं ज़रा, वो आ जाएगा, फिर चलते हैं यहाँ ऊपर ही को चलते हैं आज। चलो यहाँ बैठ के थोड़ा वेट करते हैं उसका। देखो ये बगल में ही वो है क्या, होटल माउंट व्यू और रॉयल इनफील्ड शोरूम वाला है यहाँ पे। तो बस अभी आने वाला होगा यहाँ पे कहीं पे रोहित, आता है तो फिर डिसाइड करते हैं कहाँ को चले। ऊपर को जाने की सोच रहा हूँ मैं। आ गया भाई, रोड क्रॉसिंग कर रहा है। रोड क्रॉसिंग, रोड क्रॉस भी करनी होती है, पहले बाएं देखो फिर दाएं देखो, दाएं से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, फिर बाएं देखते हुए चलो, ऐसे करके रोड क्रॉसिंग होती है। चलो यहाँ से ऊपर वाले रास्ते से जा रहे हैं हम लोग, यहाँ से जाते हैं ऊपर एडवेंचर पार्क और भाटकोट की तरफ जाते हैं, देखते हैं कहाँ हमारा मन करता है जाने का। चलो भाई लोग, मैं आपको एक प्रो प्लेयर दिखाता हूँ, ये देखो खड़े खड़े गेम खेल ले रहे हैं छत में। हम लोग आ गए हैं ऊपर वाले रास्ते में पता है, और पता चला यार यहाँ ठाड़ी ढाड़ छाया, धार ढाड़ घुमरियो ढाड़ घुमरियो ठाड़ी धार छाया की बताऊँ यार दगड़ियो, इतना इतना भाटा फरकी ज्ञान में रहता है यहाँ की बताऊँ। आप यो मानदार न्यारी बात ही इटन मरे। तो बस हम लोग पहुँचने वाले हैं टॉप में, एक बार ऊपर चले जाएं फिर आपको सीन दिखाता हूँ यहाँ से कितना अच्छा दिखाई देता है हमारा पिथौरागढ़। जो लोग यहाँ के नहीं हो, इस वीडियो के माध्यम से देख के आप मज़े ले सकते हो पिथौरागढ़ के, इतने अच्छी इतना अच्छा दिखता है यहाँ से, ठीक है। बस बस पहुँच ही गए। जो भाई बर्लिन लव फॉर्म बर्लिन वाला कमेंट करता है ना भाई, तो बर्लिन से देख लेना पिथौरागढ़ आज। तो चलते चलते हम लोग फ्लैट थोड़ी सी ज़मीन में आकाश पहुँच गए हैं, और यहाँ पर बहुत ठंडी हवा उर्र वाली चल रही है, सामने पूरा बादल बादल लगा हुआ है। बस थोड़ा सा और स्पॉट में पहुँचने दो, फिर ऐसे घुमा के दिखाता हूँ। वैसे एडवेंचर पार्क भी यहीं पर है, सीढ़ियों से थोड़ा सा ऊपर को आओ, ये सामने एडवेंचर पार्क दिख जाता है। ये देखो भाई टॉप से पिथौरागढ़ कैसा दिखता है, और वैसे आधा ही पिथौरागढ़ है, ये पूरा पिथौरागढ़ नहीं है। और यहाँ पे आईफल टावर लाइट भी है, ये देखो दो दो हैं, और वो भी पेरिस जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एयरटेल के टावर है क्यों, ये एयरटेल का टावर है, यहाँ बहुत ख़तरनाक एयरटेल का नेट चलता है बहुत तेज। तो यहाँ से चलो हम भाटकोट चलते हैं, और भाटकोट का एक रास्ता तो मेन वाली रोड से भी है, मगर ये वाला छोटा रास्ता है, तो हम आज शॉर्ट वाले रास्ते से सुर गाँव के रास्ते खेत से होते हुए जाएंगे। और यहीं कहीं पर सागर तुम्हारा घर भी है, देखो अगर वीडियो देख रहे हो तो पिन पॉइंट कर सकते हो अपना घर तुम। और ये देखो यार वाह क्या बढ़िया घर है, ये पूरा फूल पत्ती के अंदर घिरा हुआ है। इसी टाइप के घर मेरे को अच्छे लगते हैं, कि मतलब घर हो अगल बगल पूरी फूल पत्ती सब बिखरी बुखरी, वो सही लगता है बिल्कुल नेचुरल टाइप का। तो चलो यहाँ से चलते हैं फटाफट। एक और अच्छे आर्किटेक्ट वाला घर हमको दिख गया है यहाँ पे, घर तो यार बढ़िया है। हाँ वैसे यहाँ पे आजकल बहुत सारे नए नए घर बन गए हैं, और
पता नहीं, मैं बहुत जगह खेतों में देख रहा हूँ मच्छरदानी टाइप की, पता नहीं क्यों लगाई हुई है, कुछ कुछ चल रहा है इनका, मतलब मच्छर नहीं काटेंगे, मच्छर नहीं, पेड़ पौधों को मच्छर नहीं काटेंगे करके शायद कुछ होगा यार, मतलब पता हो तो बता देना कोई कमेंट में। ये ऊपर वाला भाटकोट का रास्ता है, मगर हम लोगों ने नीचे वाला रास्ता चूज़ किया है। भाटकोट तो जाते रहते हैं, मैं सोच रहा हूँ नीचे वाले रास्ते से क्या पता सिनेमा हॉल के यहाँ वाले रोड खुल जाए और वहीं से वापस चल जाएंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, गोल सर्कल में अच्छा रहेगा। तो देखते हैं ये रास्ता कहाँ खुलता है। चलो, यहाँ पे पक्का रास्ता ख़त्म हो गया और एक कच्चा रास्ता शुरुआत हो चुकी है। तो अभी हम लोग चलते चलते बहुत अंदर पहुंच गए हैं जंगल के, और आगे हमारे जानकार जो हैं इनके बाद द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक नाला भी है और साफ़ पानी आता है उस नाले से, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन हमको मिली है। तो देखते हैं ज़रा उसी नाले को देखेंगे हम लोग कितना साफ़ है, दें मच्छियाँ नहीं है, देखते हैं, नहीं तो फिशिंग करेंगे उसमें। ओहो, यहाँ पे तो थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी और फिसले तो सीधे गोबर में पैर। ये हम लोग पहुँच गए हैं नाले के अंदर। अरे वाह, काफ़ी बड़ा नाला है यार यहाँ पे, और भगवान की बहुत मूर्ति है, पेंटिंग वेंटिंग है, मतलब पानी देखते हैं ज़रा। अरे वाह, बहुत सारी मच्छियाँ हैं यार। ये देखो भाई, मैं जूम करके अच्छी, ये देखो ये घूम रही है मच्छियाँ। वाह नाइस, फिशिंग भी कर सकते हो यहाँ। और एक और इसी टाइप का नाला है दूसरा वाला, यहाँ भी अंदर पानी होगा शायद, हाँ पानी है। चलो यहाँ से कुछ तो है रास्ता वास्ता। चलो, इन नाले से आगे कोई एक रास्ता जा रहा था, ज़रा पता करते हैं यहाँ पर कहाँ को जाता है रास्ता। और दौला वाले अगर कोई मेरा वीडियो देख रहे हैं, पानी नहीं है घर में तो इन नाले से भर सकते हो, अच्छा पानी है यहाँ पे, साफ़ पानी है, मैं देख के आ गया हूँ खुद से ही। ये देखो भाई, किसी के घर में पहुँच गए क्या हम लोग। चलो देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। यहीं पर था यार डेड एंड, यहाँ पे जो एक घर है, घर के आगे वो रास्ता बंद हो गया, ख़त्म हो गया। मैं सोच रहा था कहाँ जाएगा रास्ता, तो यहीं तक गया था। तो यहाँ से वापस चलते हैं अब और नीचे का रास्ता ढूंढते हैं यहाँ नीचे, ताकि हम लोग नीचे रोड में कहीं पे जा सकें। तो एक रास्ता मिला तो सही हमको नीचे जाते हुए, उस समय हम लोग यहाँ से आए थे, मगर अब हम लोग इस तरफ से नीचे को जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या पता मिल जाए यहाँ से नीचे जाने का रास्ता। तो भाई हम लोग चल रहे थे और हमको करेक्ट यहाँ पे रोहित दा दिख गए हैं। छुट्टी आ रखी हो आपके साथ? छुट्टी नहीं आए हैं यार, अभी आई है। मैं यार पहले पता है इन्हीं के साथ पढ़ता था स्कूल। अच्छा, में लॉगिन कर। ये देखो भाई, ये रास्ता यहाँ पे आके खुलता है। वाह, ये यहाँ पर से है यार रास्ता, नीचे पर से। मैन, और ये मोड़ में मेरे को विजय जोशी सर भी दिख रहे हैं। वो चल दिए विजय जोशी सर। हम मेरे को यार पहले एथलीट सिखाते थे, दौड़ाते थे मेरे को, और मैं स्टेट तक गया था, मतलब स्टेट तक। अबे नहीं, उन लोगों ने यार पता है चीटिंग करते हुए आए थे वो लोग स्टेट में, इतनी दाढ़ी दाढ़ी वाले लोग आए हुए थे स्टेट में, मतलब जितने का मैं अभी हूँ ना उतने के वो लोग स्टेट में आए हुए थे, तो कौन जीतता यार। तब डिस्ट्रिक्ट तक मतलब फेयर प्ले हुआ था, डिस्ट्रिक्ट में भी भूसी था, मगर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ के थे ना तो ठीक ठाक था, मगर थोड़ा सा आगे जाके फिर वहाँ पर पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आ गया था, पूरा हो गया, मगर ठीक था यार। अभी भी सर्टिफिकेट रखे हुए हैं मैंने अग्निवीर के लिए, मैंने सर्टिफिकेट लगाए, क्या इसके स्टेट जाने वाले सर्टिफिकेट लगाए हैं, थोड़ा हेल्प भी मिलती है शायद। तो चलो यहाँ से रॉयल सिनेमा की तरफ चलते हैं। फर्स्ट सेकंड, ये भाई सिनेमा हॉल के बाहर पहुँच गए हैं, और क्या लगी है, विक्रांत रोना लगी हुई है। अब मैं सोच रहा हूँ इतनी दूर आई गए, एक चक्कर चटकेश्वर मंदिर भी जाके आते हैं, यहाँ सामने बस मोड़ के बाद ही है, आज तक गया नहीं हूँ मैं, देखते हैं कैसा है। ये देखो भाई, चटकेश्वर मंदिर के बाहर हैं हम, और काफ़ी भीड़ है यार यहाँ पे। चलो अंदर चलते हैं। आंटी लोग थे, वाह नाइस नाइस प्लेस। नीचे है मंदिर, मंदिर तो बढ़िया है, और पॉपुलेशन भी काफ़ी है यार यहाँ पे, कई लोग दिख रहे हैं मुझे। जूते चप्पल उतारने के लिए भी बढ़िया बनाया हुआ है यहाँ, बैठ के उतारो बढ़िया। चलो अंदर जाके आते हैं ज़रा। ये देखो भाई, यहाँ पे रखे हैं सबूत है, हमने यहाँ पे सबूत था, हमने कोने में जूते रखे थे। चलो अब अंदर चलते हैं, कुछ है आज शायद, शुक्रवार है आज वैसे। छोड़े जोड़े बच्चे, शनिवार को शनि देव का होता है। यहाँ बड़ी शांति है यार इस कोने में। शुक्रवार को क्या होता है? क्या पता, शुक्र का होता है उस दिन से। शुक्र कौन सा?
सारी भीड़ मतलब ऊपर ही है उस तरफ। हाँ मेन मंदिर यहाँ अंदर है सर, कई लोग दिख रहे हैं मेन मंदिर में। ये देखो भाई शिव जी बने हुए हैं यहाँ पे, और ये हमारे मनीष दा भी दिख गए हैं हमको यहाँ पे, और उधर साइड हमको जस्सी ब्लॉगर भी दिखाई दे रहे हैं। नक्षत्र देखते रहा भाई है यहाँ पे, कहाँ गया ये दिख गया, हाथ में फोन पकड़ के वीडियो बना रहे हैं। लगता है कोई प्रोग्राम है यार आज यहाँ पे, क्या करेक्ट हेलो कई लोग दिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम है यहाँ पे पक्का। क्या हुआ, चलो यार करेक्ट दिन में आए हम लोग, चलो अब चलते हैं बस थोड़ी देर में। इस तरफ भी है यार कुछ अच्छा, यहाँ तो नदी टाइप की है, ये ठुली गाड़ तो नहीं है, ये ठुली गाड़ है कि नैनी गाड़ है। इस तरफ को पहली बार ही आया हूँ यार आज, वैसे आज मैं देखो भाई जंक्शन, दो नदियों का संगम है यहाँ पे, और यहाँ पे यार गहरा लग रहा है मेरे को पानी। चलो जूते तो सेफ हैं। वैसे आज यहाँ पे कुछ है मंदिर का, कुछ त्यौहार टाइप का होगा शायद, तो अब चलते हैं हम लोग, एक बार दर्शन कर लिए हैं बस हो गया, अब चलते हैं। यार ये बच्चों को ना जो शिव जी और पार्वती बने हुए हैं फोटो खिंचा के पगले आ दिए है, पता है तब से फोटो खिंचा रहे हैं बेचारे। और भाई साहब यहाँ मेरे को इतने सारे, ये देखो क्या दिख रहे हैं, पहाड़ी शेप टाइप के गिंगारू बहुत सारे हैं यार, लाल लाल। और ये मानस स्कूल है, मानस के करेक्ट पीछे हैं हम लोग, मंदिर पीछे हैं मानस के, ये देखो गिंगारू। चलो फिर चलते हैं ऊपर को। मंदिर से बाहर आते हुए कभी भी पीठ की तरह मंदिर करके घंटी नहीं बजाते, सामने होना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे कष्ट करते हुए घुमाते हुए बनाया। चलो अब चलते हैं ऊपर की तरफ को, दर्शन हम करके आ गए हैं। वो देखो यार पहाड़ में क्या आज इतने सारे बादल लगे हुए हैं, कोहरा ही कोहरा है यहाँ पे। ऋतिक रोशन चाहिए यार उसके गमछे के साथ, ऐसे ऐसे करके सारा कोहरा ख़त्म कर देगा वो भयंकर। अरे वे निकाल गमछा। ये भाई पंचायत वाली टंकी है जो पंचायत पिक्चर में थी ना, वही वाली APS वाले। हम लोग हाईवे में पहुँच गए हैं यार, और यहाँ पे आपको कई सिक्वे मिलेंगे, सीख दिया है। और यहाँ पे एक से एक सिक्वे मिलते हैं, सिक्वे बिल्कुल आते हैं और उड़ाते हैं गाड़ी यहाँ पे, इसलिए इस तरफ मैं बहुत कम गाड़ी लेके आता हूँ। अभी तो खैर अंधेरा हो रहा है तो ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं, मगर कुछ तो है ही फिर भी। तो यार चलो ग्राउंड में पहुँच गए हैं, देखते हैं ज़रा ग्राउंड में कोई दिखता है तो हमको पहचान का। ग्राउंड में आज बहुत कम पॉपुलेशन है यार, और कोई फुटबॉल भी नहीं खेल रहा है इधर पर, कोई नहीं है। तो फिर ओके मिलते हैं, बाय बाय। चलो यार अंधेरा होने ही वाला है, थोड़ा बहुत उजाला है तो फटाफट घर को चलते हैं, अब मैं दिख भी नहीं रहूँगा आपको। तो जस्ट पहुँच गया हूँ मैं घर, और आज गाड़ी को ढकने की भी ज़रूरत नहीं है, ये देखो क्योंकि मैंने कल से इसको ढका हुआ है, पॉलिश लगा के बिल्कुल क्लीन चकाचक ढका हुआ है। तो आज की वीडियो बस इतना ही था, फिर इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपसे हम लोग मिलेंगे कल नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे होम एंड गुड बाय।